जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अज़हर है। जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है फ़िश एरोमेटिक। जी फ़िश की मैरिनेशन, उसमें लेमन जूस डलेगा, वाइट पेपर डलेगी, ब्लैक पेपर डलेगा, गार्लिक पाउडर डलेगा, बारबेक्यू सॉस, ओरिगैनो, लेमन यानी सॉस, साल्ट और जस्ट कैपर, कैरेट जिसमें जाएगी, ओनियन जाएगा, ग्रीन ओनियन जाएगा, बीन्स जाएंगे, येलो बेल पेपर जाएगी और रेड पेपर जाएगी। ये हमारी फ़िश है, इसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। मैरिनेशन, फिश को मैरिनेशन करने के बाद उस पर हम मैदे की थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे, फिर उसको फ्राई करेंगे। जी अब हम चलते हैं फिश की ट्रिमिंग की तरफ। इसमें हम लेमन जूस डाल लेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, हल्का सा साल्ट। मैंने मैदा लगा दिया फिश को, थोड़ी देर मैं इसको पड़े रहने दूंगा ताकि जो इसमें मैंने मैरिनेट किया है उसको थोड़ा जब्ज हो जाए। जी अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। बीन्स, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, और ज़्यादा लेना है ग्रीन ओनियन। हम प्याज की कटिंग करेंगे ज़रा सी, कैरेट। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। अब हम ऑयल ऐड करेंगे ज़रा सा। जी ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, ये हमने फिश डाल दी, बिल्कुल स्लो हीट पर, इसको वार्म टेम्परेचर पर हमने कुक करना है फिश को। ज़रा इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, टॉप फ्राइड वेजिटेबल, इसके अंदर आप ज़रा सा साल्ट ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, वाइट पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, ओरिगानो, हल्का सा लेमन जूस का टेस्ट देंगे आप इसको। सबसे पहले आप इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, दो पिंच सॉल्ट ऐड करना है, एक टेबलस्पून आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है, चार से पांच आपने इसके अंदर कैपर ऐड करने हैं। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है, इसके अंदर ज़रा पानी ऐड करना है, इसकी सॉस के अंदर आपने, इसके अंदर आपने गार्लिक पाउडर ऐड करना है हाफ टेबल स्पून, थोड़ी सी वाइट पेपर आपने इसके अंदर ऐड करनी है, क्रीम ऐड करनी है आपने, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। साथ ही आपने कैपर इसके अंदर ऐड करने हैं, इसका फ्लेवर ऑलरेडी थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, कैपर का थोड़ा पानी भी ऐड करना है आपने इसके अंदर। जी अब हम चलते हैं मैश की तरफ। सबसे पहले आप इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, बटर डालने के बाद हमने इसके अंदर ये जो मैश का मैंने आपको पहले तरीका बताया, ये हम इसके अंदर अपने मैश डालने हैं। ये हमने दो पिंच इसके अंदर सॉल्ट डाला, वाइट पेपर आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ओरिगानो, ज़रा सी क्रीम ऐड करेंगे, मैश हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। प्लेटिंग के लिए स्टफ वेजिटेबल पकड़ेंगे, फिश हमने बीच में रख दी है, ये हमारी सॉस है क्रीमी कैपर बटर, ये लम्बी वाली सॉस है, ये ग्रीन ओनियन है, इसके ऊपर आप चंक्स डाल सकते हैं इसके। जी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी शेफ अज़हर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।